टीकाकरण के दूसरे चरण का शुभारंभ हो गया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कोविड 19 टीकाकरण के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इस दौरान सभी को कोविड 19 का टीकाकरण करवाने और टीकाकरण के लाभ बताए गए। 100 बेड अस्पताल में आयोजित दूसरे चरण के कोविड 19 टीकाकरण का शुभारंभ जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने फीता काटकर किया। टीकाकरण का कार्यक्रम का अंतर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सूर्यमणि त्रिपाठी एवं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर स्वामी दयाल सहित अन्य चिकित्सक एवं हेल्थ वर्कर को जिलाधिकारी की उपस्थिति में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने उपस्थित एवं हेल्थ वर्कर से कहा कि शासन की वंशानुसार सभी लोग प्राथमिकता पर कोरोना टीकाकरण करवाएं और अन्य लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आम जनता एवं हेल्थ वर्कर से अपील की है कि अपनी बारी आने पर उत्साहपूर्वक टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। सीएमओ ने बताया कि आज के कोरोना टीकाकरण अभियान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरावन में 3 सेशन, जिला महिला चिकित्सालय हरदोई में 2 सेशन, 100 बेड चिकित्सालय में 1 सेशन, सीएससी बेहंदर, हरपालपुर, कोछाना, कोथावा, माधोगंज, मल्लावा, पिहानी, सांडी में 2 सेशन तथा सीएससी संडीला में 3 सेशन आयोजित कर प्रत्येक सेशन में 100 लोगों का टीकाकरण कर कुल 25 सेशन में 2500 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। इस अवसर पर अपर जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम, डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह, डॉक्टर प्रशांत व संजू कश्यप मौजूद रहे। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के हरदोई में कोविड 19 टीकाकरण के दूसरे चरण का शुभारंभ हो गया है। वहीं जिला अधिकारी अविनाश कुमार पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को खत्म और कंट्रोल करने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, इसीलिए लोगों को अवश्य तौर पर टीकाकरण करवाना चाहिए। जागरूकता बरतने की आवश्यकता है, लोगों को जितना हो सके जागरूक रहें और मास्क लगाएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं डॉक्टर सूर्यमणि त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरदोई। आज मैंने अपने 100 बेड हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन कराया है करीब 11:29 पर, और आधे घंटे इससे ज़्यादा हो रहे हैं। मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट, जैसा कि कहा जाता है वैक्सीन का, नहीं हुआ है और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट होता भी नहीं है, और मैं बिल्कुल प्रसन्न हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यही अपील करूँगा पूरी जनता से, सारे हेल्थ वर्कर से, कि सब लोग अपने समय पर जब उनकी बारी आए बेनिफिशियरी ग्रुप में, ज़रूर इसमें वैक्सीनेशन में उत्साहपूर्वक भागीदारी कर सुनिश्चित करें। और वैक्सीन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.